हेलो एंड स्वागतम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में। हम सब का कभी ना कभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आमना सामना तो हुआ ही है। काली और सफ़ेद लाइंस, मानो किसी ने ज़ेब्रा को ही आधा बना के छोड़ दिया है। ओके ओके, चलो बकवास को साइड करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में हम जानते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइट और ब्लैक के पैरेलल लाइंस होती हैं, जिन्हें स्ट्रिप्स भी कहते हैं, जो रोड के एक साइड से दूसरे साइड तक जाती हैं। और जो पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल सफ़र करते हैं, उनके लिए किसी भी रोड को क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग को काफ़ी सेफ़ माना जाता है, क्योंकि इस जगह गाड़ियां अपनी स्पीड कम करती हैं और लोग सेफली रास्ता पार कर सकते हैं। बट हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हिस्ट्री के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, और ये वीडियो उसी के लिए है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम कब और किसने रखा, इस बात को लेकर हमेशा से डिबेट होते रहे हैं। पर माना जाता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1948 यूनाइटेड किंगडम से, जब यूनाइटेड किंगडम के एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जेम्स कैलेगन एक दफ़ा कंट्री के ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी यानी TRL के विजिट पर गए थे, जहाँ पर कैसे लोगों को सेफली रोड क्रॉस करवाया जाए इस आइडिया पे काम हो रहा था। इस विजिट में जब मिस्टर जेम्स को ब्लैक एंड वाइट पैरेलल लाइंस वाली एक डिज़ाइन दिखाया गया, तब उन्होंने इसे ज़ेब्रा से रिलेट किया और माना जाता है कि तब से ही इसका नाम ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमेशा से ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स नहीं थे। 1948 में जब इनकी शुरुआत हुई थी, तब इन्हें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में ट्राई किया गया था, जिनमें से काफ़ी पॉपुलर है ब्लू एंड येलो स्ट्रिप्स एंड रेड और वाइट स्ट्रिप्स। बट 1951 में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स के ज़्यादा अच्छे विजिबिलिटी के वजह से सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स को ब्लैक और वाइट में पेंट किया गया, और इसके बाद से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। अक्टूबर 1951 में इंग्लैंड के स्लाव में वर्ल्ड का पहला ऑफिशियल ज़ेब्रा क्रॉसिंग इंस्टॉल किया गया था। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, और इस क्रॉसिंग को अलग अलग टाइम पे और सेफ बनाया जाता आ रहा है। और प्रेजेंटली ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ 3D आर्ट को ऐड करके 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। इसमें होता यह है कि क्रॉसिंग के व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स के साइड में दूसरे कलर्स को ऐसे पेंट किया जाता है कि ड्राइवर या राइडर्स को लगता है कि शायद रास्ते में कोई गड्ढा है या किसी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर है, और वो ऑटोमेटिकली एंड सेफली अपना स्पीड कम कर लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती है। कई सारी कंट्रीज़ इसे इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं, कुछ कर रही हैं, और इंडिया में इस 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग को और भी ज़्यादा डेवलप किया गया है। 2016 के स्टार्टिंग में अहमदाबाद की दो लेडीज़, जिनका नाम है सौम्या पांड्या ठक्कर और उनकी मदर सुकंतला पांड्या, ने इस 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग को रीडिज़ाइन किया है। अहमदाबाद में इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसे जुलाई 2016 में दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। दिल्ली में इसे बनाया है दिल्ली स्ट्रीट आर्ट ग्रुप, जिसके फाउंडर हैं योगेश सैनी, एंड NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया इस चीज़ को। इसके रिजल्ट्स के तौर पर सब जगहों पर जहाँ पर 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इंस्टॉल किया गया था, वहाँ पर एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। और जुलाई 2016 से लेकर अब तक दिल्ली के बहुत सारे जगहों पे इस 3D क्रॉसिंग को इंस्टॉल किया जा चुका है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तब ये पता चला कि सौम्या को अहमदाबाद के सक्सेस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने उन्हें दिल्ली में इसे बनाने को इनवाइट किया था, जिसके बारे में उन्होंने टेड टॉक्स के अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है। पर किसी भी आर्टिकल में दिल्ली में सौम्या के रोल को स्पेसिफाई नहीं किया है। ये बस मेरा एक थॉट है जो बिल्कुल गलत हो सकता है, पर मुझे लगता है कि क्योंकि सौम्या को मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने इनवाइट किया था, और दिल्ली के पहले 3D क्रॉसिंग में NDMC के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सौम्या भी इस ऑफिशियल ग्रुप का हिस्सा थी। इंडिया के इस डेवलप्ड 3D आर्ट को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताओ। या अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को और सेफ कैसे बना सकते हैं, तो कर क्या रहे हो यार, बाहर निकलो, शो करो अपना काम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, बटन तो नीचे ही है, पता है तुमको।
मैं मिलता हूँ तुम लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।